ayy. Couple X, ayy. Couple Grammys on him. Couple packs, ayy. That's a fact, ayy. Throw it back, ayy. Throw it back, ayy. काफ़ी दिनों से सोचने के बाद मैंने आखिरकार अपने बाइक के यूनिवर्सल बाइक वाइजर मंगा ही लिया है। एक बार जब इसे इंस्टॉल करें तो उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइस और इसे कहां से मंगवाना है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। अमेज़न का कुछ इस तरह से लगने वाला है और देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है। तो अभी इसे इंस्टॉल करता और इसे मैं कैसे इंस्टॉल कर रहा वो भी आप लोग को प्रोसेस में पूरा आप लोग को बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहना एंड आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगे। तो अभी मैंने बाइक को मेन स्टैंड पे खड़ा कर दिया है ताकि प्रॉपर अंदाज मिले और ये हमारा वाइजर बिल्कुल सही पोजीशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास ये एक पेचकस है। हाँ थोड़ा टेढ़ा है। तो सबसे पहले मैं इस पेचकस से यहाँ पे निशान बना लूंगा। उसके बाद फिर मैं जो है इसे एक आग में गर्म करके जब ये गर्म हो जाएगा तो ये फाइबर जो है उसमें छेद करने में आसानी होगा, तो वही मैं करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। यहाँ एक, यहाँ दो और यहाँ तीन और यहाँ पे चार। तो देखिए किस तरह से कितनी आसानी से ये छेद हो गया। इसी तरह से पहले थोड़ा गड्ढा हम पेचकस से ही बना लेते हैं। तो फाइनली तो मैंने इस पेचकस से ही ये चारों होल कर दिए हैं। तो इस वाइजर को इंस्टॉल करने के लिए आपको इन नट बोल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये आप लोग को किसी भी मैकेनिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी। मुझे तो शायद इसे 6 नंबर बोल करके दिया गया था कि 6 नंबर का नट बोल्ट लगेगा। और देख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ ये पार्ट जो है ऊपर रहेगा और ये काफ़ी अच्छा लगेगा जब ये ऊपर से वाइजर के ऊपर से लगेगा तो लुक अच्छा आएगा। इसलिए आप लोग को यही वाले नट बोल्ट्स लेने हैं, कोई दूसरे वाले नहीं। तो अभी मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगा सिनेमैटिक्स में कैसा लुक आता है इसका। पसीना पसीना। तो होल तो आपने कर लिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला काम है इसे फिट करना। इस यानी कि ये जो नट है इसे अंदर के साइड से लगाना और बाहर से ये स्क्रू जो है इसको टाइट करना। तो इसके लिए मैं इसे प्लास इस तरह से पकड़ करके अंदर की तरफ ऐसे रखता हूँ और इधर से ये स्क्रू को मैच करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जैसे मुझे ये होल अंदर से दिखता तो मैं इसे फिर टाइट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का लग रहा है। अभी दो साइड मैंने अच्छे से होल करके लगाया है, सेट किया है। और अभी मैंने इसे यहाँ पे सिर्फ दो साइड क्यों लगाया है वो बता देता हूँ, क्योंकि मुझे सही से बिल्कुल अंदाज नहीं मिल रहा था क्योंकि ये कर्व है और उसकी वजह से सही अंदाज नहीं मिलता कि कहाँ पे एग्जैक्टली होल होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने जो होल किया था वो थोड़ा सा नीचे के साइड यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा जब ये बैठ रहा है इस पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले दो साइड लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है इसके ऊपर से होल करते हैं। सो दिस इज द फाइनल लुक एंड कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये मॉडिफिकेशन कैसी लग रही है। मैं भी जब इसका सिनेमेटिक मैं बनाऊंगा तो और भी ज़्यादा अपीलिंग लगे इसका लुक। अभी फ़िलहाल तो घर पे हूँ तो बस इतना ही दिखा सकता हूँ। तो अभी तो बारिश हो रही है और वेदर हमारा लग चुका है, तो सिनेमेटिक बनाते हैं और आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं। तो कुछ
इस तरह का व्यू आएगा राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अभी बारिश भी होने लगी है। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं।